तो वहीं चेर्निहिव में दिखे हैं रूसी हमले के खौफनाक निशान। चेर्निहिव पहुंची TV9 भारतवर्ष की टीम और स्टेडियम पर चारों तरफ से दागी गई थी मिसाइलें। हम इस वक्त चेर्निहिव के उस स्टेडियम के बीचों बीच मौजूद हैं जिस पर रूस की तरफ से बॉम्बिंग की गई थी और ये पूरा स्टेडियम तबाह हो गया। स्टेडियम के ठीक बीचों बीच ये गहरा गड्ढा इस बात का सबूत है जो दिखाता है कि किस तरह से रूस की तरफ से, रूसी सैनिकों की तरफ से, रूस की सेना की तरफ से लगातार चेर्निहिव के चारों तरफ हमले किए गए। स्टेडियम के बीचों बीच ये गहरा गड्ढा ये भी दिखाता है कि किस तरह से यूक्रेन की जो जिंदगी है, यूक्रेन के लोगों की जो जिंदगी है, वो किस बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 24 फरवरी तब जबकि युद्ध की शुरुआत हुई थी तब रूस की तरफ से इस शहर पर हमले शुरू हुए थे और ये स्टेडियम और इस स्टेडियम के बीचों बीच जिस तरह का हमला हुआ और जिस तरह से स्टेडियम के चारों तरफ की इमारत को नुकसान पहुँचा वो दिखाता है यूक्रेन के उस पक्ष को जो यूक्रेन दुनिया के सामने रखना चाहता है और बताना चाहता है कि देखिए किस तरह से रूस की तरफ से सिर्फ हमारे सैनिक ठिकानों पर, सिर्फ सैनिक इंस्टॉलेशंस पर, सिर्फ आर्मी बेसिस पर हमला नहीं किया गया बल्कि आम नागरिकों पर, स्कूल, कॉलेज, किंडरगार्टन, स्टेडियम, चर्च, इन तमाम जगहों पर हमले किए गए हैं। उधर लुहांस्क में रशियन हमले के बाद एक बड़ा हादसा हुआ है। लुहांस्क में नाइट्रिक एसिड से भरे टैंक में ब्लास्ट हो गया। नाइट्रिक एसिड के टैंक में ब्लास्ट के बाद एक बड़ा गुबार उठा। तो नाइट्रिक एसिड के ट्रक में ब्लास्ट हो गया लुहांस्क में रशियन अटैक के बाद और उसके बाद वहां पर एक बड़ा गुबार देखने को मिला। ये लुहांस्क में रशियन और फोर्सेज और यूक्रेन की सेना के बीच एक भीषण संघर्ष चल रहा है। वीडियो चंद सेकंड का है लेकिन तबाही का वॉल्यूम कहीं ज्यादा बड़ा है। रूस ने यूक्रेन को ऐसा जख्म दिया है जिससे उबर पाना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल है। नुकसान और सदमे का घनत्व कहीं ज्यादा घना है जिसका अंदाजा लगाना शायद नामुमकिन है। रूस की तरफ से एक ही प्रहार किया गया और एक ही झटके में लुहांस्क में तबाही मचा दी। रूस ने एक ही झटके में लुहांस्क को धुआं धुआं कर दिया। रूसी सेना ने खार्किव और मिकोलेव की तरह ही यूक्रेन के दूसरे शहर को निशाना बनाया। रूसी फौज ने लुहांस्क में नाइट्रिक एसिड से भरे टैंक पर हमला किया। रशियन फौज ने यूक्रेनी टैंक पर रॉकेट से हमला करके इसे अंजाम दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। आसमान में नारंगी रंग के धुएं का गुबार छा गया। नाइट्रिक एसिड से भरे टैंक पर हमले के बाद यहां पर रहने वाले लोग खौफ में आ गए। जंग का अब ये दूसरा वीडियो देखिए। देर रात भी रूसी सेना का प्रहार नहीं थमा। रूस की तरफ से डोनेस्क में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा इलाका गूंज उठा जिसके बाद इलाके में हलचल मच गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।